नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के कई जनपदों में बेचते थे अवैध असलाह। बिक्री के लिए ले जा रहे 11 अवैध पिस्टल, तमंचा सहित 23 कारतूस बरामद। मैनपुरी, इटावा, औरैया और मध्य प्रदेश के कई जनपदों में अवैध असलाह की थी सप्लाई। मुखबिर की सूचना पर 22 ख्वाजा रोड से अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। पुलिस टीम को SSP ने 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। इटावा जनपद में पुलिस की सक्रियता के चलते मुखबिर की सूचना पर अवैध असलाह बिक्री करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 5 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 अवैध तमंचे, 12 बोर और 1 अवैध तमंचा, 2 नाली सहित 23 विभिन्न प्रकार के कारतूस बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में अवैध असलाह बिक्री का कार्य करते हैं। इनका संपर्क जेल में बंद एक शातिर अपराधी के माध्यम से लोगों के पास अवैध असलाह सप्लाई किया जाता है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर, SOG टीम इटावा और थाना कोतवाली के द्वारा आज एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय स्तर का असलाह तस्कर, जो दो लड़के हैं, अभियुक्त हैं, इनका नाम राघवेंद्र और सुनोद, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 5 अवैध तमंचा, 2 अवैध तमंचा जो कि 12 बोर के हैं, 1 तमंचा जो कि डबल बैरल है और इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से 8 कारतूस 12 बोर, 8 कारतूस जो है 315 बोर और 7 कारतूस जो है 32 बोर के इनके कब्जे से आज बरामद हुए हैं। ये दोनों तस्कर इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैसे इटावा, औरैया, मैनपुरी और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भी कुछ जनपद हैं जहां पर इनके द्वारा अवैध असलहों की सप्लाई जो है की जाती है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि यह एक पिस्टल को बेचने में इनको 22,000 रुपये और एक तमंचा को बेचने में लगभग 4,500 रुपये इनको प्राप्त होते थे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के संबंध में ज्ञात किया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त है, इसका नाम है सिनोद, इसका आपराधिक इतिहास भी जो है पाया गया है। इसके बारे में और छानबीन हो रही है। इससे पूछताछ में यह भी पता चला कि जब इटावा जेल में था तो एक अपराधी के ये संपर्क में आया था और जिसके माध्यम से इसको असलहे जो है प्राप्त हो रहे थे और यह इसको बेचकर जो है मुनाफा प्राप्त कर रहा था। इस कार्य के लिए SSP महोदय के द्वारा जो पुलिस की जो टीम है उनको पुरस्कृत भी उनके द्वारा जो आज किया गया है। इस संबंध में इनसे जो पूछताछ की गई है और जानकारियां प्राप्त भी हुई है, यह विवेचना का विषय है और विवेचना के अंतर्गत इस पर आगे की भी जो हम कार्रवाई जो है करेंगे।